ग्रीन सिटी रेटिंग के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए आज कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में निगम आयुक्त शिवम वर्मा और स्मार्ट सिटी के CII के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इंदौर को ग्रीन सिटी के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, हरित आवरण, वायु गुणवत्ता में सुधार, कार्बन क्रेडिट सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषय शामिल है। इन सभी पहलुओं के मद्देनजर इंदौर को ग्रीन सिटी रेटिंग के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। बैठक में ग्रीन सिटी के लिए आवश्यक डेटा संकलन और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रारंभिक चर्चा की गई। ग्रीन सिटी रेटिंग के मापदंडों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया ताकि प्रस्ताव को सभी आवश्यक मानकों पर पूरा किया जा सके और इंदौर सिटी को ग्रीन सिटी रेटिंग प्राप्त हो सके। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। आज एक ग्रीन सिटी, अपने शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए इस पे एक वर्कशॉप की गई है, जिसमें CII और उनका जो IGBC चैप्टर है वो उसके लिए बैठक हुई है। हमारे एक ग्रीन सिटी बनाने के लिए हमको वाटर कंजर्वेशन हो या अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का रिडक्शन हो, इन सभी पॉइंट्स पर काम करने की आवश्यकता है। और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका एक बेसलाइन डेटा करने के बाद हम इस पर इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। माननीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में अपने शहर को ग्रीन सिटी बनाने का जो ये इनिशिएटिव है उसको हम लोग अच्छे से काम करेंगे। इसी के लिए वर्कशॉप थी। सर, इसके लिए कुछ अपील भी करेंगे आप आमजन अपने इंदौर के जो है निवासियों से? नहीं, इसके एक्चुअली भी मेरे अभी पहले हम लोग इसके लिए बेसलाइन जो हमारा डेटा है कि क्या हमारी स्थिति है और इसके बाद क्या हम लोग को किस प्रकार से हमको इसमें अच्छा करना है। जैसे कई इसके घटक हैं, जैसे अपना वेस्ट रिडक्शन हो या इन चीज़ों पर हम लोग ऑलरेडी ठीक काम कर रहे हैं, उसमें और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर का जो अपना जो वाटर फुटप्रिंट है, मतलब जो पानी का उपयोग कम करने की और मतलब उसको बचाने की जो ज़रूरत है, हम लोग उस पर कर रहे हैं काम, लेकिन और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो एक बार पहले आकलन कर लें अपना अपनी डेटा के हिसाब से और उसके बाद हम निश्चित एक रणनीति बनाएंगे और तब सभी शासकीय और बाकी हमारे जो इंदौर के सम्मानित नागरिक हैं उनके सहयोग से हम लोग निश्चित इसमें आगे अच्छा काम करेंगे।